नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विक्रमजीत सिंह हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं टाटा के 4830 नए डैशबोर्ड में जो है गाड़ी हमारे पास आ चुकी है, और गाड़ी का जो ओनर है वो बहरीन से जो है बिलोंग करते हैं, और उन्होंने जो है गाड़ी को ऑर्डर दिया हमारे पास। और सामने से आप देख सकते हो गाड़ी का डैशबोर्ड जो है हमने BS6 में वेरिएंट में फेस 2 कवर जो है हमारे पास बन चुका है, और फुली जो है हैंडमेड रेडी हो रहा है हमारे पास। टाटा का लोगो देख सकते हो यहाँ पर जो है, बैजिंग और हैंडल्स आप देख सकते हो ऊपर की। और यहाँ पर आप जो डैशबोर्ड में जो भी जैसा भी टाटा ने काम किया वैसा ही हमारे पास काम हो रखा है, और टाटा का लोगो बाकी है वहाँ पर हम जो है मोच लगाएंगे। और सामने आप ग्रिल आप देख सकते हो जो है बड़ी ग्रिल जो है टाटा देती है, और साइड में जो है इंडिकेटर का काम जो है यहाँ पर होता है, और गलाई यहाँ पर आप देख सकते हो सेम टू सेम वैसा जो है काम। ऊपर जो है 5 इंची गोला लग जाता है, सिलिका क्रोम का काम जो है बाद में होता है, और विदाउट जो है बॉडी अभी लगनी बाकी है, पेंट का काम भी बाकी है। बम्पर जो है पेंट हो रखा है, नीचे की तरफ जो है टाटा की लाइट्स जो है बम्पर हैवी बम्पर जो है गाड़ी देती है वैसे हमने जो है बनाया, और उसके नीचे जो है एक बम्पर और पट्टी लगी हुई है, और सामने जो है हम बम्पर पट्टी भी बनाएंगे। और यहाँ पर जो ऑप्शन जो है टाटा लाइट्स लगाने के लिए देती है, और हमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो ऐसे है क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी गाड़ी में स्पेस तो हो जाती है लेकिन यहाँ पर स्पेस कम रह जाती है। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हो कि स्पेस यहाँ पर बहुत कम है, ऊपर जाके थोड़ी सी स्पेस बढ़ जाती है, नीचे जो स्पेस थोड़ा सा कम रह जाती है, इसीलिए जो है लाइट्स का काम फिटिंग जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कोशिश करेंगे कि आगे जो है मॉडल बनाएंगे जो भी हमारे पास गाड़ियाँ आएंगी उसमें जो है लाइट्स का काम दिखाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा लाइट फिटिंग की। और यहाँ पर जो है बम्पर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहती है, तो यहाँ पर जो है ईजिली जो है लाइट फिट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो बात करते हैं हम गाड़ी की, तो गाड़ी जो है हमारे पास वेरिएंट जो है बन रहा है वो 28 फीट वाला वेरिएंट बन रहा है, और 16 चक्का गाड़ी है, 5 एक्सल जो है गाड़ी बनी हुई है हमारे पास। यहाँ पर जो है स्टेयरिंग एक्सल दे, तो यहाँ पर जो है चेंजेस गाड़ी में जैसे भी जो है टाटा कंपनी ने किए वैसे ही जो हमने भी किए हुए हैं, सेम टू सेम वैसे जो है कॉपी जो है हमने कॉल बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो है एयर टैंक जो है गाड़ी का यहाँ पर ऐसा है, प्रेशर टैंक जिसे बोल देते हैं, ऊपर की तरफ जो है बैटरी बॉक्स यहाँ पर ही रह जाएगा, और यहाँ पर जो मगराड लग जाएंगे और बॉक्स बनाकर यहाँ पर सेफ्टी के साथ हम शो कर देंगे। और आगे जो है एडब्ल्यू टैंक यहाँ पर आ जाता है। पहली जो गाड़ी आ रही थी उसमें जो है ATS सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ था, जो BS6 का जो है पहला जो कबल था उसमें जो है ATS सिस्टम यहाँ था, अभी जो है ATS सिस्टम जो है नीचे चला गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, साइलेंसर जो है ATS सिस्टम जो है सारा बड़ा करके नीचे की तरफ जो है गाड़ी में लगा दिया है, और साइलेंसर जो है साइड में निकल जाता है, वहाँ पर जो है पाइप निकल जाती है। और बात करते हैं यहाँ पर बॉडी का काम अभी जो है शुरू है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास गाड़ी बनने में आई है, जो टोटली जो है हमारे पास जो है गाड़ी बन रही है 12 बत्तों में जो है गाड़ी रेडी कर रहे हैं हम। और ये जो गाड़ी का लिफ्ट एक्सल आ जाता है, उसके बाद जो है मेन एक्सल है, उसके बाद जो है डमी एक्सल आ जाता है, और पीछे जो है स्पेयर टायर जो है गाड़ी का में लगा हुआ है, पीछे की तरफ जो है इंडिकेटर्स का काम लाइट्स का काम हो रखा है, और घोड़ों का काम आप दस्य हो, और यहाँ पर जो है ड्रम का काम भी नीचे जो है किया हुआ है, ऊपर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, शाफ्ट का काम आ सकते हो। और यहाँ पर जो है गाड़ी की जो है चैसी जो है फ्रेम जो है पूरा गाड़ी का लकड़ी का बनाया होता है, डीजल टैंक जो है गाड़ी का उस तरफ चला जाता है, और सेंसर की जो ऑप्शन है वो भी उस तरफ चली गई है। और काफ़ी ज़्यादा जो है इस गाड़ी में चेंजेस किए हुए हैं कंपनी में, और सेम वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और यहाँ पर आप जैसे कैबिन में जो है सीनरी आपको मैं दिखाता हूँ नज़दीक से, और सर जो है लड़की जो है तस्वीर जो लगी हुई है सनमाइका, और ऊपर से गाड़ी जो है टेपरिंग की हुई है सरंद मॉडल में जो है, जो गाड़ी बन रही है फुली जो है आपके सामने फुल रिव्यू के साथ जो है बॉडी हमको दिखाएंगे आपको। और अभी जो हमारे पास बन रही है 14 चक्का 16 चक्का गाड़ियां ही बन रही है, और ये जो है हम BS6 मॉडल बना रहे हैं। और आप डैशबोर्ड का बताओ मेरे को कि आपको कैसा लगा काम, बहुत मेहनत के साथ जो है गाड़ी का डैशबोर्ड बनाया गया है फेस 2 गाड़ी का। पहली कि जो जाली आती थी यहाँ पर जो है टाटा ने, वो भी हमारे पास 4825 जो है गाड़ी रेडी हो रही है, उसका कंटेनर बन रहा है, उसका भी जो है हम कॉम्बिनेशन करेंगे इस डैशबोर्ड का कि उसका भी, तो सारा जो है आपको दिखाएंगे। हैंड मोड जो है बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर जो है गाड़ी के जो है 5 एक्सल जो है आपके सामने, और 4825, और एक जो गाड़ी आती है ये जो 4830 है, और एक जो गाड़ी है 4930 उसमें जो है 6 एक्सल गाड़ी रहती है,
और वो जो है एक एक्सल जो है पीछे चला जाता है, ठीक है जी। और ये था जी BS6 4830 का फुल रिव्यू। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि काबुल आपको कैसा लगा। अभी जो है गाड़ी का काम चल रहा था और टाइम पीरियड बहुत कम है, इसलिए जो है गाड़ी का हम जो है काम स्टार्ट करना पड़ा, नहीं तो फुल जो है रिव्यू आपको काबुल का फेस सारा जो है हम दिखाते। चलो मेरे को ज़रूर बताइए आपको काम कैसा लगा। मिलते हैं गाड़ी के फुल काम के बारे में नई वीडियो लेकर आपके सामने। तब तक के लिए मैं बृजंजी सिंह आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।